मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त करने की छात्र संघ की मांग का समर्थन करते हुए कांचीपुर के स्थानीय लोगों ने मंगलवार को एकता रैली निकाली। अनुभवी राजनीतिज्ञ ओकराम जॉय के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। जॉय ने सोमवार को प्रदेश भाजपा से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मणिपुर विश्वविद्यालय में हड़ताल जैसे एक संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें उदासीन हैं। रैली में शामिल स्थानीय लोग कुलपति को बर्खास्त करने की मांग में विश्वविद्यालय के मुख्य गेट में जारी भूख हड़ताल में भी शामिल हो गए। After the resignation from the BJP, then while this student and while these employees, while these teachers are in hunger strike for last many 62-3 years, and it was not properly listened to the central government. I think that it will be properly looked into by the central government. Therefore, we are as a program, and we are going to give the solidarity to the strikers. What I mean to the teachers, to the students, to the employees, and to the desires of the people of the state. मंगलवार को सीपीआईएम नेताओं और समर्थकों ने राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने की मांग में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। तकरीबन एक घंटे तक घेराव करते हुए सीपीआईएम ने रिटर्न रूल ऑफ लॉ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार सीपीआईएम ने पुलिस हेडक्वार्टर को घेरा है। सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी के सदस्य गौतम दास ने आरोप लगाया कि आम लोगों और विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं पर बारंबार हुए हमले के बावजूद पुलिस चीफ ए.के. शुक्ला मुख्यालय में चुपचाप बैठे हैं। बीजेपी सरकार में स्वयं पुलिस पर भी हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस महानिदेशक ने चुप्पी साध रखी है। মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে, হ্যাঁ, সেগুলোর স্পেসিফিক কেস যা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশান নেই। এমনকি দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে আমাদের মিছিল মিটিংয়ের জন্য অনুমতি নিয়ে দেওয়ার পরে সেগুলো আবার ক্যান্সেল করে দেওয়া হচ্ছে। তো এতে এটা কি দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ, সে পরিবেশ বলতে এখানে কিছু নেই। असम में एनआरसी के मसौदे से 40 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए हैं। इस खबर ने देश भर की राजनीति में हलचल मचा रखी है। वहीं असम के पड़ोसी राज्य त्रिपुरा पर भी इसका असर पड़ा है। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों में एनआरसी मसौदा प्रकाशन को विशेषता से छापा गया है। बता दें कि त्रिपुरा राज्य भी जनजाति गैर जनजाति मुद्दे का सामना कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार तथा अगरतला के वरिष्ठ नागरिक दुलाल चक्रवर्ती के मुताबिक एनआरसी का मुद्दा त्रिपुरा पर भी असर डाल सकता है। असमेर 40 लाख लोकेर असहाय अवस्थार प्रेक्षिते गोटा देशे एक विशृंखल परिस्थिति सृष्टि होवार सम्भावना देखा दिएछे। आमार मने हय एई विषयटी कोनो भावेई प्रतिरोध करा जाबे ना। ताहले त्रिपुरा तो एर बिरूप प्रभाव देखा जाबे एबं जाति उपजातिर मध्ये নতুন করে একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। विपक्षी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के खिलाफ घोषणा पत्र चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने राज्य स्तर पर पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक परिवार एक नौकरी की घोषणा की थी, लेकिन मंगलवार को एसकेएम ने दावा किया कि 2014 के आम चुनाव के दौरान यह एसकेएम पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। एसकेएम ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम कभी भी एसडीएफ के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और पिछले 25 वर्षों में उनके घोषणा पत्र में कभी शामिल नहीं था, लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को अपना घोषित कर दिया। एसकेएम ने इसके अलावा घोषणा पत्र में शामिल अन्य 9 कार्यक्रमों का जिक्र किया है जिन्हें एसडीएफ पार्टी ने चुरा लिया है। 2014 का लेटेस्ट 2014 का ये एसडीएफ पार्टी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिक्किम के एक परिवार को हम एक नौकरी देंगे, एक में भी नहीं लिखा है। हमारा घोषणा पत्र ये है, ये 2014 का हमारा भी ये 14 साल का घोषणा पत्र है। हमारा घोषणा पत्र के पेज नंबर 66 में क्लियरली यहां लिखा है बीपीएल श्रेणी का बीपीएल क्लास का परिवार का एक शिक्षित युवा और युवती को एक न एक नौकरी देंगे और एक परिवार एक नौकरी के आधार में कानून बनाएंगे। पवन चामलिंग ने
वोट के लिए, सिर्फ वोट काम करने के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए हमारा ये प्रोग्राम जो हमारा घोषणा पत्र में लिखी थे को कॉपी किया और उसने कल कहा कि हम सिक्किम में सबको नौकरी देंगे। अरे हम चैलेंज करते हैं, मिस्टर चामलिंग आपने हमारा कॉपी, हमारा प्रोग्राम कॉपी किया, कोई बात नहीं कॉपी किया, ठीक है आपको धन्यवाद, हमारा कॉपी प्रोग्राम अच्छा लगा आपने कॉपी किया, कोई बात नहीं, पर करके दिखाइए।